सब्सक्राइब करें माय क्रिएटिव आइडियाज़ इंडिया को और प्लीज़ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इको फ्रेंडली गणपति पे पेंट करना सिखाऊंगी। अगर आप इसकी मेकिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये मूर्ति चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। चिकनी मिट्टी आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के पास सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाएगी। चिकनी मिट्टी को पाउडर के लिए भी कहते हैं। अगर आपकी चिकनी मिट्टी चिकनी नहीं हो पा रही है तो आप उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी मिला सकते हैं। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की जब आप पूजा करते हैं और पूजा के बाद विसर्जन करते हैं तो यह समुद्र जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आप हमेशा मिट्टी से ही बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करें। इन गन्नू भैया पे पेंट करने के लिए मैंने अकेली कलर, पोस्टर कलर और कुछ डेकोरेशन की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो डेकोरेशन में मैंने बॉल चेन, कुछ राखी और एक गोटा पट्टी का इस्तेमाल किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूर्ति के ऊपर प्राइमर करेंगे। आप एक्रेलिक वाइट कलर या एशियन पेंट का आइवरी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमर करने से मूर्ति के अंदर फिनिशिंग आती है और एक शाइनिंग आ जाती है। अब हम गणपति जी के ऊपर येलो कलर करेंगे। येलो कलर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हल्दी से बने हुए गणपति जी दिखा सकें। तो सबसे पहले हम लाइट येलो कलर कर लेंगे। लाइट येलो कलर करने के बाद आप एक डार्क येलो कलर भी इसके ऊपर कीजिएगा। तो आप देखिए लाइट येलो हो चुका है, अब मैं डार्क येलो कर रही हूँ। अब ये सूख चुके धोती को पेंट करने के बाद आप मूर्ति को सुखा लेंगे। अब ये सूख चुका है, अब मैं ईयर पे डार्क येलो कलर कर रही हूँ। ये मैंगो कलर है। अच्छे से पूरे ईयर को आप येलो कर लेंगे। ये हम शेडिंग कर रहे हैं, ऐसे ही नोज़ पे शेडिंग करेंगे। गणपति जी की पूरी बॉडी पे आप शेडिंग कर लीजिए। हम गणपति जी का सिंहासन पेंट करेंगे। सिंहासन पेंट करने के लिए मैंने ब्लैक जेड कलर इस्तेमाल किया है। आप इसकी डबल कोट कीजिएगा। अब हम गन्नू भैया की पगड़ी पेंट करेंगे। पगड़ी पेंट करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है। डार्क ग्रीन के आप डबल कोट कीजिएगा और उसके ऊपर गोल्डन से शेडिंग कर दीजिएगा। अब मैं सिंहासन को रॉयल लुक देने के लिए गोल्डन डस्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यह गोल्डन डस्ट है, इसे भी आप अच्छे से सिंहासन के ऊपर पेंट कीजिएगा। अब हम पगड़ी के ऊपर गोल्डन कलर की शेडिंग कर रहे हैं।
आप पगड़ी के ऊपर गोल्डन कलर या कोई भी अपनी पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। हाथों पे हम रेड कलर की शेडिंग करेंगे। सॉरी दोस्तों, एक क्लिप मिसिंग हो गई थी। अब मैं टीका पेंट कर रही हूँ। टीका थोड़ा बड़ा लगाना है। गणपति जी के आईज़ ड्रॉ करेंगे। आईज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वाइट कलर यूज़ कीजिएगा और ऐसे ही इनके टीप पे पेंट कर लीजिए। सबसे पहले आप आईबॉल बनाएंगे। आईबॉल हल्का सा बड़ा बनाते हैं, फिर आप आईज ड्रॉ कर दीजिए। आईज बन के तैयार हो चुकी हैं। ऐसे ही हम इनकी धोती के ऊपर गोल्डन शेड देंगे। अब हम गणपति जी के ऊपर डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ राखी और गोटा पट्टी का इस्तेमाल किया है। चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डेकोरेशन कैसे करें, तो डेकोरेशन का सबसे इजी तरीका है कि आप कुछ सस्ती राखी ख़रीद लें, वो आपको डेकोरेशन में बहुत हेल्प कर सकती हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से ही एक छोटी राखी मैंने गणपति जी के बाजूबंद बांध दिया है और एक बॉल चैन लगा दिए। बॉल चैन ही हम गले में माला बनाएंगे। और सिंहासन को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। इको फ्रेंडली गणपति भी पेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं गन्नू भैया कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।